हेलो दोस्तों, अगर आप जो है सऊदी अरबिया में रहते हो और आपका इकामा जो है एक्सपायर है, खत्म हो चुका है, और आप सऊदी में कहीं पर भी जो है लोकल में फ्लाइट से अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे को जो है रियाद से जद्दा जाना था, वो भी फ्लाइट से, और मेरा जो है 68 दिन 68 दिन पहले जो है इकामा जो है एक्सपायर हो गया था, खत्म हो गया था। और मैंने क्या किया था कि मैंने फ्लाइट का टिकट ले लिया था, और मेरे को डर लग रहा था कि ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट में जाऊं तो वहां पे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हुआ क्या कि मैं सीधा गया रियाद एयरपोर्ट, एंट्री किया, वहां पे जो है अपना टिकट दिखाया और इकामा जो है मांगे आईडी कार्ड, तो मैंने अपना इकामा दे दिया। फिर मेरे को क्या हुआ, बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास मिलने के बाद जो है मेरा पूरा टेंशन खत्म, मैंने फ्लाइट में बैठा। फ्लाइट में बैठने के बाद जो है रियाद से जद्दा चला गया, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे को डर लग रहा था कि प्रॉब्लम होगा, इकामा एक्सपायर है कहीं पकड़ ले नहीं, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आपके भी इकामा एक्सपायर हो गया है और आप भी जो है सऊदी में कहीं पर भी हो, चाहे दमाम से जद्दा आना चाहते हो, चाहे दमाम से रियाद आना चाहते हो, और आपका इकामा एक्सपायर है, तो बेफिक्र जो है आप आ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जान लीजिए इस बात को। बहुत लोगों को ये सब टेंशन होता है कि अगर इकामा एक्सपायर है और मैं कहीं जाना चाहूँ, फ्लाइट से जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, तो जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेंट पे गाड़ी लेते हो और आपका इकामा एक्सपायर है तो आपको रेंट पे गाड़ी नहीं मिलेगा, वो नहीं देते, बोलते हैं कि इकामा एक्सपायर है तो एक गाड़ी आपको रेंट पे नहीं मिलेगा, तो आप टैक्सी से जाइए। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो भी आप लोगों को जानकारी दी पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, इस भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।